हेलो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह। आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 18 मई। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के खाना बनाने से होती है। और खाने में आज हमने बनाई थी दरारे की सब्जी और रोटी। तो खाना पीना हमारा हो गया था, उसके बाद में फटाफट से बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद में इधर साफ सफाई करने लगे हैं, लगाने लगे हैं झाड़ू। तो घर के पूरे घर की पहले लगाएंगे झाड़ू और फिर उसके बाद में जो है बाकी के काम करेंगे। तो धूप बहुत तेज़ हो रखी है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। झाड़ू लगाने के टाइम ऐसा लगता है कि नहा लें, बहुत ज़्यादा धूप है और धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो इधर जो है झाड़ू लगा लेते हैं और यहाँ पे जहाँ बालू लगी हुई है वहाँ पे थोड़ी सो बालू फैली हुई है तो उसको भी ठीक कर देंगे। तो हम झाड़ू लगा रहे थे, फिर यहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा फैली थी, ईंटें भी इधर उधर फैल गई हैं क्योंकि काम हो रहा था तो बालू निकाली गई थी तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। आर्थर हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हमें करते हैं बालू में लोट लोट कर। तो यहाँ पे ईंटें ठीक से लगा दी हैं और झाड़ू लगा देंगे, सारी बालू जो है निकल जाएगी। और ये फिर भी कोशिश कर रहे थे बालू में जाने की, तो हमने ईंटें तो लगा दी हैं पर ये फिर भी ऊपर से चढ़कर निकल जाते हैं। तो आर्थर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो कभी कभी ये बालू में लौट जाते हैं, फिर इनको नहलाना पड़ता है। इसी वजह से फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, गंदे हो जाते हैं तो नहलाना पड़ता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है ज़्यादा नहाओ भी तो। और इसीलिए इनको जो है दिक्कत हो गई थी, अभी ये दिन में जाने कितनी बार नहाते हैं क्योंकि इतने गंदे ही हो जाते हैं कि बिना नहाए फिर अच्छा नहीं लगता है देखते हुए और ना ही गोदी लेते हुए। पूरे जो है मिट्टी में ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे दोनों को फुसला दिया है ये खेलने में और नहला दिया था इनको, हमने सोचा सुला दे पर ये सोए नहीं, दोनों उठकर भाग आए थे तो अभी ये खेलने में लगे हैं। इनने खटिया सोचा जब तक ये बैठकर नमकीन खाएंगे तब तक हम अपने झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, पर इन्होंने नमकीन जो है पूरी फैला दी थी और उतर कर भाग आए थे हमारे पीछे पीछे क्योंकि इनको नहला दो फिर ये सोचते हैं हम मम्मी हमारे साथ में ही लेटे तब हम सोएंगे। तो आज जो है हमने नहाया नहीं था सुबह के टाइम और लाइट तो पूरा दिन थी पर पानी समर में नहीं निकल रहा था क्योंकि पानी काफ़ी नीचे है और पाइप पड़वाना है तो इसी वजह से कभी कभी पानी नहीं निकलता है गर्मियों के मौसम में। तो पानी का इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो गया, फिर जो है ट्यूबवेल से पानी भरना पड़ा था। और इधर अभी जो है रात के 1 बज रहे हैं और रात में आ गई थी बारिश और काफ़ी तेज़ वाली आंधी आई थी तो वही आप सभी को दिखा रहे हैं। और टाइम भी आप सभी को दिखाते हैं कि रात के 1:30 बज चुके हैं, 1:25 ऐसे कुछ टाइम हुआ था तो टाइम हमने देखा और फटाफट से उठे जैसा कि आप सभी को दिखाए थे। हमने कपड़े शाम को ही धुलकर डाल पाए थे 4 बजे और तो इसलिए कपड़े भी हमारे नहीं सूखे थे, बाहर ही पड़े थे। तो जैसे पता चला कि बूंदे आंधी पानी आ गया है तो फटाफट से कपड़े उतारे और उसके बाद फिर बरामदे में आकर बैठ गए थे खटिया पर। तो वही आपको दिखा रहे थे कि काफ़ी जो है बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं होती, थोड़ी थोड़ी हुई थी। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं तो अभी थोड़ा सा अंधेरा है पर सुबह हो चुकी है। और उसके बाद में फटाफट से नहाकर इधर आ गए हैं चाय बनाने के लिए। तो अभी बन रही है हमारी चाय। सार्थक के पापा तो नहीं पीते हैं पर हम अपने लिए ज़रूर बनाते हैं क्योंकि जब तक हम चाय नहीं पीते हैं हमसे आगे काम नहीं होता है। तो थोड़ी सी चाय सुबह के टाइम पी लेते हैं तो जो है अच्छा लगता रहता है। जब तक हमें चाय सुबह नहीं मिलती है तब तक जो है काम करने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिएगा आके और उसके बाद में आप सभी को अपना आगे का काम बढ़ाते हैं। और आज हमने बनाई है भिंडी की सब्जी और अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी ये 19 मई का वीडियो है
दिन है शनिवार और हमारा खाना पीना बन चुका है। तो आज हमने भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी और खाना पीना हो जाने के बाद में इधर तरबूज खाया। तरबूज खाने के बाद में आर्थर को सुलाए और ये अंगूर आप सभी को दिखा रहे थे जो कि हमारे पड़ोस वाली चाची दे गए थे, उनके घर पे लगे हुए थे तो वही बच्चों के लिए दे गई थी। और उसके बाद में कपड़े वगैरह धुल के डाले और इधर जो है साफ सफाई कर रही है बिटिया, झाड़ू लगा रही थी। और आज हम करेंगे लिपाई पुताई, क्योंकि आप सभी को आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि हम लिपाई क्यों करने जा रहे हैं। ना तो कोई त्यौहार है, ना कोई फेस्टिवल है और ना कोई पार्टी है, पर ये लिपाई क्यों हम कर रहे हैं। वैसे आंगन भी बहुत ज़्यादा खुदा है, पर लिपाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर पे हमारे खास जो है मेहमान आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है लिपाई करना। तो हमारे जो है कपड़े वगैरह धुल गए हैं, पर्दे खोल और जो है बिछौना बेड शीट तकिया के गिलाफ सारी चीज़ें धुल के डाल दी हैं। बाकी के जो कपड़े थे वो भी धुल लिए थे सुबह के टाइम, और फ्रिज भी साफ़ करना था हमें तो फ्रिज भी साफ़ किए हैं और पूरे घर की साफ़ सफाई करी है, झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद में इधर आ गए हैं गोबर और गेरू मिलाने के लिए, तो पहले गोबर गेरू को मिला ले के रख लेते हैं, उसके बाद में लिपाई करेंगे। वैसे सुबह के टाइम नहा तो चुके थे पर धूप की वजह से इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी लिपाई करते करते, तो जो है दोबारा से नहाना पड़ा आज, और हमने यहाँ से लिपाई करना शुरू कर दिया है। तो फटाफट से कर लेते हैं लिपाई। और आप सभी बताइएगा कमेंट करके कि हमारे घर पे कौन आने वाला है, जो कि हमारे बहुत ही खास मेहमान है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग जानते हैं उनको, और देखते हैं कौन कौन सही कमेंट करेगा, किस किस को पता है कि कौन आएगा हमारे घर पे। तो वैसे आपको अभी नहीं बताएंगे, आप सभी को, आप सभी के लिए सरप्राइज है और वो लोग सोमवार को आएंगे। तो आप लोग ज़रूर दिमाग दौड़ाइएगा कि कौन आएगा हमारे घर पे, कमेंट करके बताइएगा, सोच के बताइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। देखते हैं आप लोग कितना सारा प्यार करते हैं। हाँ, जो भी दोस्त, आप लोग सोच समझ के ज़रूर बताइएगा कि कौन आएगा। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे घर पे हमारे बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं, जो कि पहली बार ही हमारे घर आएंगे, और बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही है। तो उन्हीं की खुशी के आने की वजह यही है, जो लिपाई पुताई हो रही है, साफ़ सफाई हो रही है, तो वही उन्हीं लोगों के आने की वजह से हो रही है। तो वो लोग आएंगे और आप सभी को मिलाएंगे, और आप सभी के लिए ये सरप्राइज है, जब आएंगे तब आप सभी को दिखाएंगे कि कौन है कौन नहीं। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कौन आने वाला है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। तो दोस्तों पूरे आंगन की हो चुकी है लिपाई, और बरामदा रह गया था तो वो हम कल लिपाई करेंगे, क्योंकि गोबर भी नहीं बचा था, धूप बहुत तेज़ थी, चेहरा पूरा एकदम से लाल पड़ गया था लिपाई करते करते, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब हालत ख़राब हो गई थी लिपाई करते करते। और पर एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि उन लोगों के आने की वजह से और उनकी खुशी की वजह से इतना पूरा जो है आंगन लिपाई पुताई कर डाली हमने, धूप में ही कर डाली। तो बस थोड़ा सा रह गया, इसको भी पूरा कर देते हैं फटाफट से, फिर नहाएंगे जाकर। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इस समय जो है हमारा ब्लॉग टाइम से नहीं आ पा रहा है, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। हो सकता है कि आज भी ब्लॉग हमारा जो है ये रात को आप सभी के साथ में शेयर करना पड़े, रात के 9 बजे, क्योंकि एडिट करने में दिक्कत हो जाती है, मैं इस समय आर्थर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसी वजह से जो है वीडियो हमारा एडिट नहीं हो पाता है। और आप लोग सुन रहे होंगे कि कितना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं बच्चे हमारे, तो मजबूरी में हमें ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम दोबारा ना कर आए हैं और अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, हालत ख़राब हो गई थी लिपाई करते करते, तो दोबारा से नहा लिया। सुबह नहा चुके थे,
नहा धोकर खाना पीना बनाए थे और फिर दोबारा से आज हमें ना आना पड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और पूरे कपड़े भी ख़राब हो गए थे गेरों में। और इधर आर्थर खाने में लगे हैं रोटी, तो हम खा रहे थे, फिर ये भी रोटी और सॉस लेकर खाने में लगे हुए हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं अपना पूरा घर कितना अच्छा लगने लगा है लिपाई हो जाने के बाद में। और यहाँ पर ये देखिए आर्थर की हालत, ये देखिए ये देखिए आर्थर अब कटोरा में एक रोटी रखे हैं और चटनी थोड़ी सी लगवा ली थी इसी रोटी में, तो खाने में लगे हैं, मतलब शरीकत में खा लेते हैं। वैसे तो रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं ये, तो हम खा रहे थे तो ये भी खा रहे थे। और इधर बनी हुई है पापड़ी जो कि सूख रही है अभी, तो शाम को बनाई जाएंगी, आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।